हेलो गाइस, ये देख सकते हैं आप सीट के ऊपर कितना कचरा पड़ा हुआ है। तो ये चीजें सीट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, इससे आपकी सीट को नुकसान हो जाएगा और आपकी सीट खराब हो जाएगी। रिज के ऊपर लगे हुए सारे नट्स, स्क्रूज, एक्सेसरीज चेक करते रहना है ताकि वो खुले ना हो। अगर खुले हों तो उन्हें अच्छी तरह फिक्स कर लें। सीट पर पड़ा कचरा, कूड़ा, मिट्टी इत्यादि को नरम ब्रश के साथ साफ करें। किसी फावड़े वाली चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे आपकी सीट को कोई हानि हो। छत के किनारे जो हमारे सीट का एंड पॉइंट होता है, बम्बे जो गटर लगा होता है, उसको निरंतर रूप से चेक करें, कहीं उसमें मिट्टी ब्लॉकेज ना हुई हो जिससे आपके पानी को जाने में कोई परेशानी ना हो और हमारी छत खराब ना हो। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं टाटा फैब्रिकेटर अमन यूट्यूब चैनल। तो आपने निम्न बातों का ध्यान रखना है कि आपकी सीट के ऊपर जितना भी मिट्टी, कचरा इत्यादि पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपकी छत के ऊपर, जिससे पानी को निकलने में कोई परेशानी ना हो और हमारे सीट के ऊपर पानी रुकने ना। तो ध्यान में रखना है इन चीज़ों को, आपने नरम ब्रश के साथ और साफ पानी से इनको धोना है। किसी फावड़े वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे सीट को कोई नुकसान हो। तो ध्यान में रखना है, निरंतर रूप से सीट की सफाई करनी है और जो भी सीट के ऊपर हमारे स्क्रू लगे हुए हैं उनको भी निरंतर रूप से चेक करना है, कहीं वो ढीले ना हो गए हों या निकल ना गए हों। अगर निकल गए हों तो उन्हें अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है और हानि पहुंचाने वाली चीज़ों को छत से दूर रखना है। छत पर किसी भी प्रकार का कचरा इत्यादि ना पड़ा हो, इन चीज़ों का बिल्कुल अपना ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप सीट इंस्टॉल करते हो तो सीट का लैमिनेशन पेपर उतार लेना है ताकि आपकी सीट खराब ना हो, बाद में ये लैमिनेशन नहीं उतरता है। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसी गंदगी सीट के ऊपर नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी ड्यूरासेन छत देखने में बुरी लगे। यही कुछ कारण होते हैं जिससे हमारी सीट लंबे समय तक नहीं चलती और ख़राब हो जाती है। निरंतर रूप से अपने छत की सफाई करते रहना है, एक्सेसरीज को चेक करना है, रिज चेक करने हैं आपने, और जो गटर लगा हुआ है उसको भी चेक करना है ताकि आपकी ड्यूरासेन से बनी हुई छत लंबे समय तक चलती रहे और ख़राब ना हो और देखने में सुंदर लगे। दोस्तों, यही कुछ बातें होती हैं जो सीट को हमारी को सुरक्षित रखती हैं। सीट के कॉर्नर में जो भी फ्लैशिंग लगती होती है उसको भी चेक करना है आपने, कहीं वो निकलने गई हो। अगर निकल गई हो तो उसको भी अच्छी तरह फिक्स करना है। सीट पर एक्स्ट्रा सामान नहीं फेंकना है जिससे आपकी सीट के ऊपर जो बारिश का पानी जाएगा वो रुके और कोई किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज हो। तो इन बातों का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि हमारी सीट बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लैमिनेशन पेपर नहीं उतारा गया था तो इस कारण अब ये लैमिनेशन जो है अब नहीं निकलेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। देख सकते हैं आप, ये चिपक गई है बिल्कुल। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों ने, जब भी आप सीट इंस्टॉल करें तो ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें कि सीट का लैमिनेशन पेपर ज़रूर उतार लें ताकि आपकी सीट खराब ना हो और देखने में बुरी ना लगे। तो ये लैमिनेशन पेपर इसलिए लगाया होता है ताकि जो भी कस्टमर इस सीट को परचेज करता, खरीदता है, उसके घर तक सीट बिल्कुल साफ सुथरी पहुंचे। काम करने के पश्चात इस सीट का लैमिनेशन पेपर तुरंत निकाल दें और सीट हमारी साफ सुथरी लगे। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे कुछ सामान सीट के ऊपर पड़ा है, यही कारण होगा हमारी सीट खराब होने का अगर इसको हम सही तरीके से नहीं रखेंगे। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम हुआ था उसी वजह से यहाँ पे सफाई नहीं की गई ये सीट की, तो यहाँ से सीट हमारी खराब होना शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी सीट के ऊपर किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा इत्यादि ना पड़ा हो जिससे हमारी सीट को कोई नुकसान हो। तो इन निम्न बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ये थे कुछ सुझाव
सीट को साफ सुथरा रखने के, सीट के साथ लगती हुई वृक्ष की टहनियों को भी आपने काट देना अगर लगी हो आपके घर के साथ तो, क्योंकि उनकी वजह से भी छत के ऊपर पानी की रुकावट होने के कारण बन सकते हैं। और निरंतर रूप से अपने छत की सफाई करते रहना है, आप लोगों ने ध्यान रखना है किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचाने वाली चीज़ छत के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और छत के ऊपर मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये देख सकते हैं अपने कितना कचरा पड़ा हुआ है सीट के ऊपर, और ये हमारा गटर है, ये देख सकते हैं आप, तो गटर में भी इतनी ब्लॉकेज है, ये भी नहीं होनी चाहिए जिससे पानी निकलने में परेशानी ना हो और ये ब्लॉकेज ना हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये अंडरग्राउंड गटर लगा हुआ है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है आप लोगों ने जो भी आपको मैंने बातें बताई हैं, जो समय पर करे देखभाल उनकी ड्यूरेशन छत चले सालों साल बेमिसाल। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिमाचल, जय भारत।